नमस्कार फ्रेंड्स, ऑफ द ग्रिड में आप सभी का स्वागत है। हर एक जगह को एक्सप्लोर करने की इच्छा आज हमें ले आई है हमारे त्रिपुरा के मेलाघर में स्थित नीरमहल। नीरमहल जिसका मतलब होता है वाटर पैलेस, पूरे भारत में यानी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा वाटर पैलेस है, जो कि स्थित है हमारे छोटे भारी राज्य त्रिपुरा में। पूरे भारत में आपको दो वाटर पैलेस देखने को मिलेंगे। पहला है राजस्थान के जयपुर में स्थित वाटर पैलेस और दूसरा है नीरमहल त्रिपुरा, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड ही रहा है। इसके हिडन जेम्स में एक है नीरमहल। त्रिपुरा में आप आए और नीरमहल ना देखा तो अभी तक आपने त्रिपुरा देखा ही नहीं है। जिस लेक पर ये महल स्थित है उसे रुद्र सागर कहते हैं। जिस जगह ये महल स्थित है उस जगह का नाम है मेलाघर, और जिस जगह से आप बोट लेके महल की ओर जाएंगे उसे कहा जाता है राजघाट। माना जाता है माणिक्य राज जब यहाँ पे थे तब अगरतला था इनका कैपिटल, वहाँ से हाथी घोड़ा लेकर राजा मेलाघर आते थे और राजघाट से नाव लेकर नीरमहल जाते थे। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जो आखिरी राजा हुआ करते थे माणिक्य डायनेस्टी का, उनका सामर पैलेस हुआ करता था ये नीरमहल। नीरमहल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था, जिसमें एक पार्ट में रॉयल फैमिलीज रहा करते थे और दूसरे भाग में सिपाही यानी सोल्जर्स रहा करते थे। लेकिन जो लेक है उसमें काफी जगह पे लोटस के पत्ते, लोटस के फ्लावर्स, शायद से प्लांटेशंस भी होते हैं, और वहाँ पे फ्लोरा फौना आपको भरपूर मिलेगा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। बहुत सारे बर्ड्स के तो हमें नाम भी पता नहीं है जो कि हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। ...1947 में जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो 10 से 15 सालों तक ये महल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ के लोकल्स आके इस महल पे रहने लग गए थे। 10 से 15 सालों के बाद जब त्रिपुरा में उस वक्त जो भी गवर्नमेंट था उन्होंने पुलिस के मदद से इस पूरे महल को खाली करवाया था, लेकिन जाते समय यहाँ पे जो कीमती सामान था सारे लोकल्स मिलके इनको खोल के ले गए थे और गवर्नमेंट ने इसको बाद में रिनोवेट करवाया और टूरिस्ट के लिए खोल दिया। नीरमहल ये नामकरण किया गया था